हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा और मैं आ गई हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं मखाना खीर। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप किसी भी ओकेजन में बना सकते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो इसे आप फटाफट बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और अपने फीडबैक और कमेंट्स देना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मखाने की खीर बनाने के लिए हमें लगेगा 50 ग्राम मखाना। ये देखिए मार्केट में इजीली मिल जाता है, इसे हम उपास में भी खाते हैं। आप इसकी खीर जो है वो उपास में भी खा सकते हैं। मखाने हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसे 50 ग्राम लिया है और अब इसे साइड रख दूँगी। तो उसके बाद अब मैं कढ़ाई ले रही हूँ और उसमें मैं डालूँगी 700 ग्राम दूध। यहाँ मैंने आधे किलो से दूध ज़्यादा लिया हुआ है और मैंने गैस की जो फ्लेम है वो बढ़ा दी है। अब हम यहाँ पे जो दूध है उसे उबाल लेंगे। दूध में अब उबाल आ चुका है तो मैं जो इसका स्टोव है वो चेंज कर दे रही हूँ और इसे लो फ्लेम पे रख दूँगी। और अब दूध को हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। और अब मैं एक और पैन ले रही हूँ, इसे भी मैं स्टोव में रख दूँगी। गैस की जो फ्लेम है ऑन कर दी मैंने। अब इसमें हम डालेंगे मखाने और मखाने को हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना है। ये देखिए बीच में चलाते रहिए ताकि ये जल ना जाए। और बीच बीच में ये दूध है जो उबल रहा है उसे भी हम मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए इसमें मलाई जमने लग गई थी। गैस हमें बहुत तेज़ नहीं रखना है दूध का। और ये देखिए ये मखाने अच्छे से भुन चुके हैं तो इसे मैं निकाल लूँगी। इसे मैंने 3 मिनट तक भुना है। ये देखिए इस तरीके से निकाल लीजिए। और ये देखिए बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी। अब अगर आपको ऐसे ही खाने हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं इसे, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। अब इन मखानों को जिनको हमने रोस्ट किया है इन्हें हम थोड़ा सा कूट लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसे दरदरा पीस सकते हैं लेकिन वो एकदम ही बारीक हो जाएंगे, तो इसे हम खलबट्टे में थोड़ा सा दरदरा कूटेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल बारीक नहीं करना है। कुछ सैगे होने चाहिए, कुछ थोड़े से टूटे हुए होने चाहिए इस तरीके से। ये देखिए हल्का सा बस आपको इसको मारना है इस तरीके से। और ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा कूट लिया है दरदरा। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पीस रखे हैं मैंने। मिक्सी में ऐसा नहीं होगा, मिक्सी में एकदम बारीक पीस जाएंगे। तो अब इसे मैं साइड में रख दूँगी। और ये देखिए जो दूध है वो उबल गया है अच्छे से और थोड़ा सा कम भी हो गया है। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है दूध। अब उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये मखाने और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इसके बाद हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक कि मखाने जो है नरम ना हो जाए। लगभग 2 मिनट लगेगा मखानों को नरम होने में। अब मखाने नरम हो चुके हैं तो इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 कटोरी शक्कर। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और पिसी हुई थोड़ी सी इलायची 1/2 छोटी चम्मच। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमें 2 मिनट तक पकाना होगा ताकि शक्कर अच्छे से पक जाए। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी बादाम, बारीक कटे हुए बादाम डाल दीजिए। यहाँ पे जो खीर है हमने लो फ्लेम पे ही तैयार की है और अब हम इसमें बादाम डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसे 1 मिनट तक पकाएंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख के ठंडा कर सकते हैं। ये देखिए कितनी मस्त लग रही है। और आपको जितनी गाढ़ी रखनी है आप उतनी गाढ़ी रख सकते हैं। इसको हम पिस्ते से गार्निश करेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे मखाने की खीर।